नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और आपके साथ मैं हूं सुबोध। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे में अपनी खोई हुई सियासी जमीन पाने की जुगात में जुटी समाजवादी पार्टी ने आज पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची के संदर्भ में चर्चा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सपा द्वारा जारी की गई इस सूची में जहां कई नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं, तो कहीं नए उम्मीदवारों पर भी दाव आजमाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि आगामी चुनाव में विजय का परचम लहराने की दिशा में सपा ने किसे और कहां से टिकट दिया है। बता दें कि सपा ने सलाखों के पीछे कैद नाहिद हसैन को भी कैराना सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ झांसी के सदर से चुनावी मैदान में सीताराम कुशवाहा को भी मैदान में उतारा है। ध्यान रहे कि इससे पहले सीताराम कुशवाहा 2012 से लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करल सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि उन्होंने करल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कुछ ही दिन पहले किया था, जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा था कि बेशक उन्होंने करल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन जीत उनकी झोली में नहीं आने वाली है। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। नकुर से धर्म सिंह सैनी को टिकट दिया गया है। बता दें कि धर्म सिंह सैनी हाल ही में बीजेपी को छोड़कर सपा की साइकिल में सवार हुए थे। इसके अलावा इस लिस्ट में चाचा शिवपाल यादव को जसवंत नगर सीट से चुनावी अखाड़े में उतारने का फैसला किया गया है। वहीं जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को भी रामपुर के चुनावी मैदान से उतारने का फैसला किया गया है। इसके अलावा आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं सपा ने आगामी चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची में 25 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों के हत्थे टिकट थमाया है। खास बात यह है कि मुस्लिम बहुल इलाकों से मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि सपा का ये दाव आगामी चुनाव में कितना कामयाब हो पाता है। गौरतलब है कि आगामी 10 फरवरी से प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल तमाम सियासी दलों के सियासी सुरमाओं सूबे में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए न्यूज रूम पोस्ट के साथ। नमस्कार।